Hi guys, this is me, your favorite AKR, and you are watching Akshay Kumar YouTube channel. कैसे हो आप लोग? मैं तो यहाँ पे बहुत ही टक टक और टनाटन मस्त हूँ. बाकी आज का दिन बहुत ज्यादा अच्छा है क्योंकि आज मुस्कान का बर्थडे. सबसे पहले चलो आओ मुस्कान को विश करते हैं. गाइस मुस्कान आ चुकी है, तो हैप्पी बर्थडे टू मुस्कान. थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू. बाकी जो भी मन हो भाई वो करो. और अभी शाम का वैसे कुछ खास प्लान हम लोगों ने कुछ करा नहीं है, बट शाम होने तक हम लोग कुछ बहुत अच्छा प्लान अप कर लेंगे. तब तक आप लोग भी प्लीज मुस्कान को साथ ब्लेसिंग्स देना, कमेंट में सब लोग इसको विश कर देना, और आपकी जितनी भी विशेज होंगी मैं इस तक डिलीवर कर दूंगा 100%. बाकी ये भी ब्लॉग देखती है तो ये सारे कमेंट पढ़ती है, खुद भी कमेंट करती है, तो अगर आप चाहो तो इसमें कमेंट डालना हो तो भाई डाल देना, ये पक्का आपको रिप्लाई कर देगी. भाई कोई बर्थडे विश करे तो रिप्लाई कर दियो. ओके गाइस, भाई आज जिम आने में थोड़ा सा लेट हो गए, 9 बज चुके हैं, बट कोई बात नहीं क्योंकि आज शायद से अनुप्रिया हो सकते हैं. तो कल तो मजा बिल्कुल नहीं आया था बिकॉज ना अनुप्रिया था ना निकी थी, बट आज शायद से अनुप्रिया हो सकते हैं, तो क्या पता मजा आए और अगर बहुत अच्छे से वर्कआउट करेंगे. सो गाइज यस, वर्कआउट हो गया कम्प्लीट. आज हमने किया बैक का वर्कआउट. बहुत अच्छी बात है कि अनुपाजी आ गए थे, उनके ट्रिप पे ले गए थे वो लोग, मसूरी गए हुए थे, तो अब वो वापस आ गए हैं. तो आज हम लोगों ने बैक का वर्कआउट करा, बैक ऐसे मेरा फेवरेट है, तो बहुत मज़ा था, बहुत फन था, बट बहुत थक भी गए. तो अभी चलते घर, कुछ खाते हैं, पीते हैं, नहाते हैं और फिर अपने दोपहर के काम में लग जाते हैं. सो गाइज नहाने जाने से पहले एक बार हम लोग चलते हैं क्योंकि हमारे घर में हो रहा है एसी की सर्विस, वो एसी की सर्विस करवाते क्योंकि समझ ज्यादा बढ़ती जा रही है ना, तो सर्विस करवा लेते हैं, फिर अच्छी कूलिंग करेगा वो. तो गाइज देखो एसी का काम तो शुरू हो गया है, साफ हो रहा है. कितना टाइम लग जाएगा भैया टोटल? 1 घंटा लग जाएगा सर्विस होने में. बाल्टी में पानी भरा, इसके थ्रू मोटर के थ्रू सीधा उसके अंदर जाएगा. देखो गाइस एकदम जैसे जेट वॉट जेट होता है ना, जेट स्प्रे वाला, वैसा वाला है. तो इससे बहुत अच्छे से साफ हो जाएगा. पूछते हैं भैया से अगर हमारी बाइक में इससे धो सकते हैं तो हम लोग इससे बाइक भी धो लेंगे. ठीक है सर्विस तो हो गई है, अब बारी है हमारी बाइक धोने की, तो हम बाइक भी धो लेते हैं जल्दी से. बाइक और स्कूटी दोनों ही धुल चुके हैं और अब बारी हमारे धुलने की, मेरा मतलब नहाने की, क्योंकि अराउंड 1 बज गया मैं नहाया नहीं हूँ, तो जल्दी नहाते हैं तभी मम्मी खाना देगी, नहीं तो मम्मी खाना नहीं देगी, तो फटाफट नहा लेते हैं. तो गाइज मैं तो नहा धो के हो चुका हूँ रेडी, अभी मुझे एक बारी बाहर भी जाना है. हार्ड ड्राइव मैंने आपको बताया था ना अपना एडिटिंग का काम पेंडिंग है, तो मैं वो भी कंप्लीट करना है. और सेकंडली भाई मेरे को बहुत ज्यादा भूख लग रही है, आप मानोगे नहीं, सुबह से मैंने सिर्फ एक ब्लैक कॉफी पी रखी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं. तो प्लीज अभी कुछ खाते हैं, थोड़ी एनर्जी लेते हैं, फिर हम चलते हैं बाहर. और यार दिल्ली की धूप बिल्कुल भी बिल्कुल मन नहीं करता भाई बाहर जाने का, बट काम है तो जाना तो पड़ेगा ही. गाइस उन्होंने हमारे लिए पिज्जा तो लेकर आई, बट खोलते ही साथ ही पोपट हो गया क्योंकि पिज्जा की सारी वेजिटेबल और चीज एक कॉर्नर पे और ब्रेड एक कॉर्नर पे. सो गाइस घर के तो सारे काम हो चुके हैं कंप्लीट, अब हमें चलना है अक्षय भाई के ऑफिस, वहाँ मिलेंगे हमें जय भाई, जिनके साथ हमें बैठ के अपना एडिटिंग का काम कंप्लीट करना है. और उसी के साथ भाई एक और न्यूज़ बता देता हूँ कि देखो जैसे बाइक के लिए पेट्रोल जरूरी है, हमारे लिए हेलमेट जरूरी है, तो पहले हेलमेट पहनते फिर चलते हैं. फाइनली हम पहुंच चुके हैं अक्षय भाई के ऑफिस, बट हमारा ऑलरेडी एक पॉकेट हो गया. पॉकेट ये हुआ कि मैंने पॉकेट चेक करी तो पॉकेट में वॉलेट ही नहीं था, बताओ मेरा वॉलेट घर ही रह गया. तो गाइस स्टूडियो का काम तो कंप्लीट हो चुका है, हमारी एडिटिंग का एक पार्ट तो कंप्लीट हो चुका है, तो धीरे धीरे हम ये काम भी खत्म कर देंगे और बहुत जल्दी गाना आ जाएगा. तो भाई गाना जैसे है आप लोगों को सुपर सपोर्ट दिखाना है, मतलब देखो आपका भाई डायरेक्टर है तो आपको पूरी इज्जत बख्शनी है, ठीक है, जिस तरह हमें व्लॉग्स को प्यार करते हो इस तरह म्यूजिक वीडियो को भी प्यार करना और बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना. फिलहाल चलते घर, धूप तो हो रही है बहुत ज़्यादा, बड़े बड़े घर पहुँचते क्योंकि उनका बर्थडे भी, तो हमें कुछ प्लान भी सरप्राइज कुछ प्लान भी करना है ना हम लोगों को, तो जल्दी चलते हैं घर और फिर करते हैं आगे की चीज़ें. यस गाइज आई एम बैक होम और घर आके इतना सुकून मिलता है ना भाई, बाहर दिल्ली मतलब भाई मेरे को एक्चुअल में ऐसा लगता है कि ये सब कुछ छोड़ छाड़ के ना कश्मीर कहीं ठंडी जगह में चला जाना चाहिए, बिकॉज दिल्ली की गर्मी प्लस यहाँ पे जो वो गर्म हवा लगती है ना बाइक के ऊपर भाई बहुत टायरिंग है. बट फिलहाल अच्छी बात यह है कि हम घर आ गए और जो हमारी वीडियो है वो एक स्टेप और आगे बढ़ गई है. तो यस गाइस जैसी वीडियो आएगी आप लोगों को बहुत ज्यादा सपोर्ट दिखाना है, ऑलरेडी बोल चुका हूँ दोबारा बोल रहा हूँ, वैसे बोलने की जरूरत भी नहीं, आप लोग खुद इतना प्यार करते हो यार, इतनी विशेष देते हो, इतना अच्छा लगता है. प्लस आज मुस्कान का बर्थडे तो यस उसके लिए भी विशेष करते रहना. और बाकी मैं आपको क्या बोलूंगा यार, इतनी सब चीजें होती हैं, थोड़ा सा भी रेस्ट कर लेते हैं फिर शाम की तैयारियों में लगते हैं. और इसी के साथ साथ भाई आपको बस एक चीज और बता देता हूँ कि मैंने अभी रिसेंट टाइम में अभी मतलब ट्रैवल करते करते सीख लिया कि भाई
जब भी आप कुछ बनाते हैं, आपका जो खुद का कंटेंट होता है, जब वो एक स्टेप आगे बढ़ता है या जब आप थोड़ा ग्रोइंग स्टेज में देखते हो ना भाई, इतनी अच्छी, इतनी हैप्पी और ऐसा फील आता है जैसे आप अपने बच्चे को बड़ा होते हुए देख रहे हो। तो आप लोग प्लीज, जो भी मतलब मेरे को देखता है या फिल्म मेकिंग में है या किसी भी अलग उसमें, मतलब ये नहीं इस फिल्म मेकिंग, किसी भी अलग उसमें कोई भी अगर अपना खुद का कुछ बना रहा है, खुद का कुछ कॉन्टेंट बना रहा है, तो यस, बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव ऑन योर कॉन्टेंट एंड यस, डू पुट योर हार्ड वर्क, पुट योर माइंड, सोल, हार्ट, ब्लड, एवरीथिंग इन डू इट एंड इट विल शाइन, ट्रस्ट मी, इट विल शाइन। तो यस, इसी के साथ गुड नोट पे हम जाते हैं सोने, थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, थक गए, बाकी शाम के लिए तैयार रहते हैं, शाम को भी कुछ ना कुछ प्लान बनाते हैं अपन बढ़िया। सो गाइस, एक और बहुत मस्त न्यूज़ कि तनीषा और काकू आ गए हैं नोनू बर्थडे के लिए। तो चलो यार, इन दोनों आ गए तो अब और मजा करेंगे। तनीषा, क्या प्लान है? क्या प्लान है? करेंगे, काकू तेरा क्या प्लान है? काकू कह रही है जो आपका प्लान है उसमें मिल जाऊंगी। तो गाइस, लाइफ की एक बहुत बड़ी सीख जो मेरे को अभी मेरी मम्मी ने सिखाई, कितने भी बड़े सेलिब्रेशन हो, आप कितने भी बड़े आदमी बन जाओ, कितने भी बड़े एक्टर बन जाओ, कितने बड़े एक्टर बन जाओ, बट एट द एंड आपका काम सिर्फ यही है कि आप जाओ दूध लेके आओ, दही लेके आओ, पनीर लेके आओ। तो हम भी चलते हैं, पनीर लेके आते हैं, क्योंकि आज नोनू का बर्थडे है तो मम्मी बना रही स्पेशल डिनर। तो चलो आओ, थोड़ा सामान लेके आते हैं मम्मी के लिए। तो गाइस, नोनू का केक भी आ चुका है यहाँ पे, अभी हमें जाना है घर। शोर बहुत ज़्यादा है तो मैं सोच रहा हूँ पता नहीं इसका व्यू दोबारा ना करना पड़े। तो गाइस, सारे लोग यहाँ पे आ चुके हैं, सब लोग नन्ने चलो चलो, एक्शन हो गया, वो भी खींच रही है। देखो, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। एक तरफ रायता, छोले, पनीर, पूरी और हमारे दो प्यारे प्यारी बहने खाते हुए, कैसा लग रहा है? खाना कैसे बनाए त्रिशा? बढ़िया। अब मेरे को खिलाएं? अज भी नहीं खाते, क्यों बैठे हैं अभी? बस इनकी शक्ल देख रहा है कि ये लोग तो खाना खा रहे बट मुझे नहीं खिला रहे। बट आप खुद बताओ यार, ये 4 मंथ का बेबी है, सिर्फ 4 मंथ का, अभी आप इतने छोटे हो, अब सिर्फ 4 मंथ के बेबी हो, 4 मंथ के बेबी नहीं खाते पनीर, 4 मंथ के बेबी बूबू पीते हैं। बूबू पियोगे ना? बूबू पिलाएंगे हम आपको, बूबू पिलाएंगे। आज हम इसकी दूध की पार्टी करेंगे, दूध ही दूध देंगे, दूध कर देंगे मैं बाबू को। सो गाइस, डिनर करने के बाद हम तो गए फिर फाइन, आ गया मजा, बहुत ही टेस्टी डिनर था भाई, बहुत बहुत टेस्ट, मतलब बहुत मजा आ गया। तो बस ये है, बट अभी एक और चीज़ है कि हमें काकू और तनीषा को छोड़ के आना है, तो आओ जल्दी से चलते हैं, उनको छोड़ के आते हैं, फिर वापस आके हमें एडिटिंग भी करनी है, ब्लॉग भी अपलोड भी लगाना है। तो 2-3 चीज़ें हैं तो हमें फटाफट करनी है, पहले उनको छोड़ के। सो यस गाइस, फाइनली बर्थडे कंप्लीट हो गया, सेलिब्रेशन कंप्लीट हो गया, उन्होंने बहुत मस्ती करी, बहुत अच्छे से खाया पिया, केक कटिंग करी, और आई होप आप लोग भी कम्प्लीटली ब्लेसिंग्स दे रहे हो। सो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को, और यार मतलब जनरली बताऊँ ना, ऐसे कभी सोचा नहीं था और कि इतना सब कुछ हो रहा है और मैं आप लोगों से शेयर कर पा रहा हूँ डायरेक्टली, कभी सोचा ही नहीं था, कभी ब्लॉगिंग वगैरह और अपनी फैमिली की खुशियाँ आप लोगों के साथ शेयर कर पाना ये कभी प्लान नहीं था, बट आप लोग इतना प्यार, इतना सपोर्ट और मेरे ब्लॉग्स को इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स देते होते, आप देख के बहुत अच्छा लगता है। मेरे को ना ऐसा ड्यूटी जैसा फील होता है कि मैं ट्राई करूँ अच्छे से अच्छे वीडियोज़, अच्छे से अच्छे ब्लॉग्स आपके लिए करने के लिए। सो थैंक यू सो मच गाइज एक बार फिर से आप लोगों को, और उसी के साथ ये ब्लॉग एंड करने का टाइम आ गया। सो यस, हम ये ब्लॉग खत्म करते हैं और कल वाला ब्लॉग दोबारा शुरू करेंगे, तो स्वागत है, प्लीज आइए ब्लॉग देखिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। इसी के साथ ये ब्लॉग एंड करते हुए मैं बोलता हूँ कि भाई, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, अपना फेवरेट वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, बहुत सारे दोस्तों को शेयर कर देना, और सबसे इंपॉर्टेंट भाई सब्सक्राइब कर लो यार, सब्सक्राइब करो। गुड नाइट।